जो दुआओं से निकल गया उसे बददुआओं में भी क्या रखना। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना भी बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। कामयाबी हासिल करो लेकिन पैसे के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं का बदला तो खाक वो भी होंगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो माँ ही है जो धूप में भी छांव जैसी है। एक वादक रोज जंगल में जाकर मृदंग बजाया करता, ठीक उसी समय कहीं से एक मेमना वहां आकर बैठ जाता। वादक रोज उस मेमने को देखता, एक दिन उसने पूछ ही लिया, तो रोज यहां आकर बैठता है, क्या तुझे मैं इतना अच्छा लगता हूं? चल तू ही बता, मेरा वादन अच्छा है या मेरा गायन? मेमने ने बड़ी मासूमियत से कहा, लय ताल सुर मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि आपके मृदंग में जो चमड़ा है वो मेरी माँ का है, और जब भी इस पर थाक पड़ती है तो लगता है कि माँ पुकार रही है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में तीर्थ लिखा ही ना हो। हर किसी के लिए दुआ करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। समय एक नदी की तरह है, हम एक पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो बह चुकी है, वह फिर कभी नहीं आएगी। समय का सम्मान करो, उसे व्यर्थ न गवाओ। जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वो प्रार्थना करते होठों से ज्यादा पवित्र होते हैं। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत बातों का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। बच्चों के पीछे और उनके सपनों के आगे दौड़ते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि हम कहीं उन्हें मनुष्य बनाने और प्रेम की भाषा सिखाने में पिछड़ तो नहीं रहे। जिन रिश्तों में हर बात का मतलब समझाना पड़े और सफाई देनी पड़े, वो रिश्ते रिश्ते नहीं बोझ होते हैं। चार बातों में कभी शर्म महसूस मत करो, पुराने कपड़े, गरीब मित्र, बुजुर्ग माता पिता व सादा और सरल जीवन। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, परंतु जीत नहीं सकते। यदि कोई चिड़िया रास्ता भूलकर कमरे में दाखिल हो जाए तो पंखा बंद करके उसे रास्ता दिखाना भी तो मोहब्बत ही है। मन में केवल वही विचार लाएं जो आप होते देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसका फल। गर्व को सदैव आसन की आवश्यकता होती है और प्रेम को स्थान की। मन हमारा बच्चा है, उसे सोचना सिखाओ, सही क्या और गलत क्या, उसकी हर बात न मानो, उसकी चोट पर मरहम लगाओ, ज्ञान की खुराक रोज खिलाओ, उससे रोज प्यार से बात करो, फिर आपका मन आपकी हर बात मानेगा। खाने में गए जहर का इलाज मुमकिन है, पर कान में गए जहर का कोई इलाज नहीं। ए खुदा, जिंदगी भले ही छोटी देना, मगर देना ऐसी कि मुद्दतों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।